एक ओर सरकारी बैंक जहां एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं देश के सार्वजनिक बैंकों के पास जमा 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कोई दावेदार नहीं है। खबरों के मुताबिक बैंकों में केवाईसी नियमों में की गई सख्ती के बाद ऐसे खातों की संख्या बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 47 लाख खातों में 1036 करोड़ रुपए जमा है। ऐसे ही कनाडा बैंक के 47 लाख खातों में 995 करोड़ रुपए और पंजाब नेशनल बैंक के 23 लाख खातों में 829 करोड़ रुपयों का कोई दावेदार नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2016 तक अलग अलग बैंकों के 2,63,00,000 खातों में पड़े 8,864.6 करोड़ रुपयों का कोई दावेदार नहीं है। 2012 से 2016 यानी पिछले 4 सालों में इस तरीके का पैसा दोगुना हो गया है। ऐसे खातों की संख्या 2012 में 1.32 करोड़ थी, जो 2016 में 2.63 करोड़ हो गई। साल 2012 में उनमें जहां 3,598 करोड़ रुपए जमा थे, वहीं 2016 में ये बढ़कर 8,864 करोड़ रुपए हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा है कि 10 साल से जिन खातों का कोई दावेदार सामने नहीं आया है, उनकी सूचना तैयार कर वेबसाइट पर जारी करें। वेबसाइट में दर्ज जानकारी में अकाउंट होल्डर्स के नाम और पते शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।